नमस्ते, आऊं प्रज्ञा स्लोत्रा सिद्धी लकीर च तुसें सारे लोकें दा मता मता मलाज करनी आ। दोई बक्खी रोला पेदा, कश्मीर भी ते जम्मू भी। कश्मीरी आखदे कि असें कश्मीरी भाषा बचानी ते डोगरे आखदे असें डोगरी बचानी, ते दोनों किन्नी भी बचाई दी है ओह तुसें भी पता है ते मिगी भी पता है। डोगरी भाषा जड़ी है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, कश्मीरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी दी है, पर एह बनने दे बाद भी तुस मिगी सारे आपे गै दस्सो कि तुसें जम्मू च डोगरी दा किन्ने गै बोर्ड दिक्खे होने। एक बोर्ड दिक्खेआ होना जित्थे एह लिखे दा होना कि डोगरी हुण ऑफिशियल लैंग्वेज जिहड़ी ओह बनी दी। केह ऑफिशियल लैंग्वेज बनने दे बाद भी कुसे ने अपनी दुकान दा बोर्ड जिहड़ा है ओह डोगरी च तब्दील कीता? केह कुसे ने अपने घर दे बाहर दी नेम प्लेट तब्दील करने दे सोचिया? के कुते जगह दा ना बोर्ड जेहड़ा तेरा है वह डोगरी च दिखिया? नहीं दिखिया होना। मैं इस वेले पंजाब च है, पर इत्थे बैठिए मैं एक गल दा ना सुकून मिलिया कि इत्थे दे लोग जेहड़े ने वह अपनी मां बोली भाषा जेहड़ी इंदी पंजाबी है ओहदे कन्ने इन्ना प्यार करदे ने कि असें दिखने इत्थे आई मैं दिखिया कि हर एक बोर्ड जेहड़ा है वह पंजाबी च लिखोए रहा। इनेंगी कोई फर्क नहीं पौंदा कि बाहर दे बंदे की समझ आ रही नहीं आ रही। इनेंगी अपनी भाषा कन्ने इन्ना प्यार है कि अपने बच्चों की भी इन्हें अपनी गुरमुखी भाषा जड़ी है वो अपने बच्चों की लिखनी भी सिखाई रही है शुरू तू, तो पढ़नी भी सिखाई रही है। तो इं बखी तुम अपने जम्मू वाले पास हाल दिखी लाओ कि साढ़े बच्चे जिस वेले डोगरी बोलते अस चपेड़ सुट्टी ओढ़ने होने, पर जे साढ़े बच्चे कश्मीर की भी गल करा तो मैं डोगरों की भी गल करा। इतने होंदा के है कि जिस वेले साढ़ा बच्चा अंग्रेजी गल करे ना तो असं चार बंदे की सदी ना जरूर अपने बच्चे की तारीफ करने ने कि दिखो साढ़ा बच्चा जड़ा है वो अंग्रेजी की नहीं शैल बोलता है। अंग्रेजी हिंदी सीखना जरूरी भी है और ये भाषा अस इस्तेमाल करने होंने ताकि मते कोला मते लोगों के बीच जी है ये गल साड़ी समझ आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जड़े ने वो हिंदी समझते हैं। इं कि तुम्हें पता है पंजाब च इस वेले किसान जड़े धरने पर बैठे दे और इस वेले प्रोटेस्ट करा दे और जिस वेले अस प्रोटेस्ट करने होंने तो साड़ी कोशिश इयो होंगी कि अस हिंदी का इस्तेमाल करचै हिंदी भाषा का ताकि गल जी साड़ी दूर तक जाए। पर इत्थे ये चीज़ दिखने की थोए कि किसान धरने पर बैठे दे ने जिन्ने भी बोर्ड लगे रहे जिथे जिथे भी लगे रहे वह सारे बोर्ड जड़े ने वो पंजाबी च लिखोए दे, कुसे की कोई नहीं फर्क पौंदा। कुसे ने कोई हिंदी बोर्ड नहीं लिखवा रहा, कुसे ने कोई अंग्रेजी बोर्ड नहीं लिखा रहा। इहदा मतलब ये नहीं है कि इनेंगी हिंदी या इन्हें अंग्रेजी आती नहीं है, इहदा मतलब ये है कि इन्हें अपनी गुरमुखी कन्ने किन्ना लगाव और किन्ना प्यार है। जम्मू जदू का मैं आखगी कि पिछले किश एक अद्धे साल च ये दिखने की थोया है कि डोगरी की माड़ा मोटा जिहा है थोड़ी जी ना थोड़ा जिहा थोई आ। मेरे कन्ने कन्ने मेरे और भी जिहड़े साथी ने बड़ा शैल काम करा दे डोगरी च, वो भाएं निक्की होए भाएं श्वेतिमा होए भाएं मेरी कलीग जिहड़ी पल्लवी कुमारी आ होए डोगरी च काम जरूर करा देना है। पर यह दिखने की थोड़ा रहा है कि इसी फैलाव नहीं ज़्यादा थोड़ा रहा ऑफिशियल लैंग्वेज का। मैं आखगी एक टाइटल जरूर थोई है पर हले भी वह नहीं होया है जो होना चाह रहा, जो बदलाव जड़ा है वह लभना चाह रहा कि साढ़े डोगरें की वह डोगरी भाषा जी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी और उसके बाद डोगरें का वो बदलाव लभना चाह रहा। वो चीज़ जी कमी जी है वह हले भी दिखने की थोड़ा रही है। इन्ने महीने होइए ऑफिशियल लैंग्वेज बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं लभ्या, जब कोई बदलाव ही नहीं आना, कोई रेलवे स्टेशन उपर भी एक बोर्ड नहीं लभ्या होना डोगरी का, तो उसके बाद फिर क्या फायदा? फिर तो लोगों आपे सरकार को जाइए बोली उड़ना चाह रहा है कि महाराज रहन दो ढाई उड़ो इन्हें वापस, उए ठीक है हिंदी तो हिंदी तो अंग्रेजी के ठीक ही, डोगरी तो कश्मीरी की ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जे तुम डोगरी बोलगे नहीं या जे तुम डोगरी लिखगे नहीं उसी पढ़गे नहीं या सुनगे नहीं या सुनागे नहीं तो भाषा कुत्थों बचनी है। एक काम करो, रोन के दो।